वकील साहब शाहपुर, आज हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। जितने भी लॉज इंडिया में बनाए जाते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही बनाए जाते हैं। देश के लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करें। कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेन एक्सेप्ट बताए गए हैं, पहला है रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और दूसरा बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम पावर होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेशंस बताए गए हैं गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होते हैं और गवर्नमेंट का लोगों के साथ क्या रिलेशन होता है। एक लॉ को पास करने के लिए गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, अब हम उसके बारे में समझेंगे। जो लॉ बनाता है वो होता है लेजिस्लेटिव, और जो इंटरप्रेट करता होता है वो है जुडिशरी, और जो इन्फोर्स करता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। इसी दौरान हमारे लॉज बनते हैं जिसे हर सिटीजन को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जिसे हम रिटन लॉ में कन्वर्ट करते हैं, और इसे ये जो सेट ऑफ रूल्स जो हम बनाते हैं लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, तो वो बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो लॉ है वो भी प्रोटेक्ट रहे और जो हमारे पीस है सोसाइटी में वो भी मेंटेन रहे। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।